दीपक जी धन्यवाद, आपने मुझे जरा लास्ट में टाइम दिया है तो जरा मुझे और थोड़ा टाइम दीजिएगा। सर पूरा बोलते रहिए ना, सभा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शपथ लेकर के सभा कर लीजिए आप, संवैधानिक शपथ लेकर के एक चुने हुए मुख्यमंत्री की ये भाषा नकारे, नालायक और नाकाम मुख्यमंत्री की होगी। और मैं तो ये कहूंगा कि इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के चार चार बार के शासनकाल को ये पढ़ें, समझें कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। ये जो उत्तर प्रदेश में आज बरेली में दंगा होने से बचा, नूह जो है मेवात का क्षेत्र जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, तो ये जो विचारधारा, जो उग्र विचारधारा है जिसके पोषक विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, दीपक जी जब जब चुनाव नजदीक आएगा तो ये भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास करेंगे, ये सांप्रदायिक दंगे कराएंगे, क्योंकि इनको सत्ता में वापसी चाहिए और इनके पास में विकास का, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मॉडल नहीं है। इसीलिए ये मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि ये सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। अच्छा धर्मवीर जी बताइए, उत्तर प्रदेश में भाषा आपको विधानसभा चुनाव में कितनी सीट मिली, उत्तर प्रदेश में बताइए, इतने अच्छे मॉडल के बाद 10 लोकसभा की सीटें हैं, सीटें मिली 10 लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की बताइए ना सर, 10 लोकसभा की सीटें हैं, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चार बार की मुख्यमंत्री हैं, चार बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी मिली, बताइए ना। अयोध्या का जो निर्णय आया था, प्रदेश में एक भी दंगा हुआ होता मुझे बता दीजिए, ना आप संविधान की बात मानते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं। हो गई